हेलो, मैं हूँ किरण। बच्चों, मैं आज आपको सिंपल तरीके से फिश बनाना सिखाऊंगी। तो फिश को कैसे ड्रॉ करना है और उसमें किस प्रकार से कलर करना है ये बताऊंगी। और फिश कहाँ रहती है? पानी में। तो हम पानी किस प्रकार से बनाना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। और चलिए हम बनाना सिखाते हैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे फिश का शेप होता है ओवल शेप का, पहले इसकी बॉडी बनाएंगे इस तरीके से, फिर इसके फिन्स को बनाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे भी फिन्स होता है, और यहाँ पे इसका मुंह, और ये स्केल होते हैं, ये फिश का स्केल होता है, ये इस तरीके से बनाएंगे हम। पहले बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाकर हम इसकी ड्राइंग बना लेंगे, देखो। और फिर इसके बाद हम स्केच पेन लेंगे और इसके ऊपर दोबारा हम इसी लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि ये अच्छा सा दिखाई दे। इसका फिन है ऐसा, और ये इसकी आईज है, ऐसे करके लाइनिंग करेंगे। के बाद हम इरेजर लेंगे और इसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे ताकि ड्राइंग सुंदर सा दिखाई दे। ऐसे करके इसके स्केल्स को बनाएंगे। अब हम गोल्डन कलर लेंगे या येलो कलर, हम येलो रंग की फिश बनाएंगे इसमें। इसके लिए पहले आउट बाउंड्री करेंगे इस फिश की इस येलो कलर से, और फिर इसके अंदर कलर करेंगे। इस आइस को छोड़ देंगे, आइस तो व्हाइट रंग की होती है, उसके अंदर ब्लैक रंग होता है। इसको धीरे धीरे कलर करते जाएंगे इसके अंदर। देखो ये गोल्डन फिश कितनी सुंदर लगेगी बनने के बाद। इसके बाद हम गोल्डन कलर लेंगे, इस क्रेयॉन्स में गोल्डन कलर भी आता है। के बाद हम इसके अंदर फिर गोल्डन कलर करेंगे ऐसे करके ताकि थोड़ा शाइनिंग दिखे, ये ऐसे करते हुए जाएंगे। इसके आईज को हम ब्लैक करेंगे बीच में, ऐसे करेंगे आइस को रेड कलर करेंगे इसके लेंगे, और इसके चारों तरफ पानी पानी के रंग का कलर करेंगे, और ये थोड़ा सा लाइट कलर करेंगे इसको, क्योंकि मछली तो पानी में रहती है ना, तो हमें तो पानी तो बनाना ही पड़ेगा। देखो ऐसे करके हम पानी को कलर करेंगे हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट ब्लू, ये डार्क कलर रहेंगे। देखो फिश बनके तैयार होगी ना, ये गोल्डन फिश हमारी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं हूँ आपका दोस्त अमर। आज मैं आपको फिश बनाने सिखाऊंगा मछली पेज पे, कि जो देखने में बहुत सुंदर लगे और बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। तो इसके लिए हमें स्केचिंग पेंसिल, रबर, स्केच पेन, स्केल और कुछ क्रेयॉन्स कलर, क्योंकि छोटे बच्चों को हमें क्रेयॉन्स कलर से पहले सिखाते हैं। तो चलिए अब हम चल बनाते हैं फिश। सबसे पहले पेंसिल ली हमने, इसकी आंखें बनाई सुंदर सी, और एक मुस्कुराती हुई मछली बनाई।
हंसती हुई मछली। इसके लिए एक लाइन जो होती है यहाँ से, बस एक लाइन के नीचे ऊपर एक लाइन करें, ये हो गया इसका सिंपल तरीके से, ये ठीक है। और ये रहा इसका पंख, ये हो गया इसका पर, जिसे वो क्या करती है तैरती है पानी में। कुछ इस साइड में भी होते हैं और कुछ नीचे की साइड में, स्मॉल साइड वाले होते हैं ना, छोटे वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये इसका ऐसे जो इसके ऊपर स्केल, ये और इसके ऊपर जो स्केल होते हैं कुछ ऐसे बना दिया, और इसको कुछ ऐसे बना दिया, हो गया ठीक है। और इसके बाद ये क्या बन गया इसका, कहाँ पे रहते भाई मछली, पानी में, ठीक है ना, मछली मछली पानी में रहती है। अब हम इसको कलर करेंगे सुंदर सा, आंखें हमने इसकी कर दी ब्लू, कैसे कलर की बनाई आंखें, ब्लू कलर की, या तो रेड कलर की भी होती है, रेड भी हो सकती है ब्लू भी हो सकती है। पहले हम लोग फिर मछली का और ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, यहाँ पे हमने इसका छोटा छोटा सा, ठीक है, जिससे देखने में थोड़ा सा, और ये नाक हिंदी से डॉट वाला नाक हो गया, ठीक। अब हम इसको सुंदर से कर सकते हैं कलर, जैसे हमने इसको गोल्डन फिश बनाया, मान ये हमने लिया, पहले आउट बाउंड्री करनी है छोटे बच्चों को, हम लोग पहले आउट, अगर आप बच्चों को घर में ड्राइंग सिखा रहे हैं तो, या स्कूल में भी है तो, उनको छोटे बच्चों को पहले आउट बाउंड्री बनाना है, उन्हें बताना है कि आउट बाउंड्री के अंदर करना है, ठीक है। और ये इसके बाद हमने इसका आउट बाउंड्री बनाई, अब इसके बाद हमने धीरे धीरे इसका कलर किया, एक ही साइड में कलर करना है, ये नहीं कि कभी दाएं बाएं, ये ऊपर नीचे नहीं, और बिल्कुल बराबर से करना है कि जो वाइट कलर है वो ना दिखे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद ये लो, हमने फटाफट फटाफट ये बनी मछली, इसका मुंह वगैरह का कलर हो गया। अब ये हो गया इसका बॉडी, क्योंकि जो मछली तो होती है कलरफुल भी होती है ना, ठीक है, तो इसकी टेल है, मतलब पूंछ, मुझसे मछली क्या करती है डायरेक्शन अपना सेट करती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और कलरफुल बनाया, देखो मछली को, और भी कुछ कलर्स है अगर ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो गया, थोड़ा सा येलो कलर बना दिया इसमें, बन गया इतना, क्योंकि कलरफुल तो होती है मछली, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ ऑरेंज कलर, और रह गए लास्ट में वाटर, क्योंकि रहती तो पानी में, तो हमने ऐसे करके एक हाथ से ऐसे बराबर, बाउंड्री पहले हो जाती है तो बच्चों को सही रहता है, फट अंदर का फटाफट भर जाता है, क्योंकि हमें दिखाना है ना कि पानी में मछली, ऐसे तो लग रही कि ऊपर है, ठीक है। लो जी थोड़ा सा पानी और दिखा दिया हमने, तो मछली पानी में है, और पानी में है तो भाई इसके ऊपर भी पानी होगा ना, ये देखो ये दिखा दिया, ये मछली है पानी में, और इसके बाद वेव्स पानी के दिखाना है तो ये देख लो, थोड़ा डार्क कलर लिया, वेव बन गया। देखो बच्चों कैसे मछली बनी है, आप भी ऐसे अपने घर में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मछलियाँ बना सकते हैं, और अच्छा सा उसमें अपने मनपसंद का कलर भी कर सकते हो। तो और सुंदर बनाने के लिए हम इसके जो बाउंड्री बनाएंगे स्केच पेन से, इससे ये देखने में और सुंदर लगे।
और यहाँ पे हम करेंगे रेड कलर। देखो बच्चों, बन गई ना अच्छी सी मछली।